हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और अभी देखो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ और मैं कितना क्यूटा प्यूटा लग रहा हूँ। और ये मेरा बैग है और यही सिर्फ यही मेरा बैग नहीं है, मैं दिखा दूँ मैंने कितनी सारी पैकिंग करी। आगे से रुको, ये भी मेरा बैग है, ये सारा मैंने पैक कर लिया। ये मेरा पिजामा, मेरा फेवरेट पिजामा, ये मेरा बैग है और बाकी सारा ऐसे सामान फैला हुआ है। और देखो मैंने तुम लोगों को पिछले ही व्लॉग में हिंट दे दिया था कि मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ, लेकिन देखो मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। लेकिन अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। लेकिन मैंने बोला था कि ठंडी जगह है, इसीलिए थोड़ा टोपा वोपा लगा के मैं सेट हो गई हूँ। तो अभी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में और हम यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट में। तो गाइस गाड़ी जो है हमारी आ गई है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। और मैं हेलो हाउ आर यू चले। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मुनीर का पहले बंदे को पिक करने के लिए। यार दोस्त जो भी हैं वो हम सबको मिलेंगे, तो देखते हैं कौन कौन आ रहा है। शर्म यहाँ से बच्चों से सामान उठवा दो, तुम इनका सामान उठा। बहुत तगड़े पहने हैं तेरे दोनों। कौन है ये दोनों? भांजा भांजी। हेलो हाय, इसका सामान फेंको अगर मेरे पहने पकड़े बना। तो गाइस ये हमारा पहला दोस्त पुनीत राठी। पुनीत राठी हाय करो। एक सामान भी नहीं उठता है ठीक से। तो गाइस ये हमारी दूसरी दोस्त यार मनाली जोन मनाली मनाली। इतना लेट आयो मनाली मनाली, तुम्हारा तुम लोग लेट आयो, हम सो जाए टाइम पर। हेलो दादी। हेलो। हाय डार्लिंग। अबे भाई यार इसमें बैग कहाँ से डालेंगे हम? तो गाइस ये है हमारे दो दोस्त और अब सारे आ चुके हैं। अब हम जाएंगे सीधा कहाँ? मॉर्निंग गाइज, और अभी सुबह के बजे 10:30 और फाइनली हम लोग हैं मनाली में। और वैसे पहुँच तो हम लोग रात को ही गए थे, बट रात को मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे बहुत गंदा भुगतना पड़ रहा है। भुगतना ये इन द सेंस लाइक मैंने कपड़े थोड़े से कम पहने थे, तो रात से मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लाइक मुझे लूज मोशन हो रखे हैं। उसके बाद कम से कम 7-8 बार वॉमिटिंग हुई है और एक दो बार तो वॉमिटिंग में ब्लड भी आया, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करी। अभी मैंने दवाई ली है तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो आज हमारी ट्रिप का है फर्स्ट डे और हम लोग जाने वाले हैं सोलांग वैली। तो यार हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं होटल से। चेकआउट नहीं किया, बस यहाँ से आज के लिए जा रहे हैं, फिर शाम को दोबारा आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं। मर्द हूँ मैं तुझे गोदी में सोलांग वैली लेके जाऊंगा, मैं भी देखती हूँ मर्दानगी कहाँ तक चलती है। बस भाई आपकी मर्दानी खत्म हो गई पे। बस मैंने बहुत चौड़ में कहा था कि मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं गाड़ी जो हमारी आ गई है भैया, भैया भैया लेट क्यों आए हो? ट्रैफिक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ठंड बहुत ज्यादा थी, हाथ पैर सुन्न हो रखे थे। अभी चले? हाँ अभी चले। चलो हर हर महादेव। तो अभी हम निकल चुके हैं सोलांग वैली के लिए और ये पीछे मेरे सारे दोस्त। तू तो बेशरम इतना मुंह मचवा के जैसे कितना मुंह काला करवाया। ये गीतांशु, यासीन और फ्रेमिंग के हिसाब से अपना अपना हाय खुद कर लो। और पीछे वो बेचारा जो ये छोटा सा दिख रहा है दानिश। और भैया आप तो लेट आए ही हो, उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है भैया रात ज्यादा होगी। तो अभी हम थोड़ी देर में सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं और उससे पहले हम लोग यहाँ पे रुके थे ये सूट लेने के लिए, क्योंकि इसके बिना हम पहाड़ों पे सफ़र नहीं कर पाएंगे। वैसी बैंड बजी, अब इसके बिना जाती तो और बैंड बज जाती। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हो। अब बस पहुंचने वाले, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो फाइनली इतने वेट के बाद, इतने ट्रैफिक के बाद हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रास्ते थोड़े से कीचड़ वाले, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। न्यू ईयर वाली वाइब जो अभी से शुरू हो गई है। और मैंगो शेक इधर आ, ये देखो मैंगो शेक को
कैसा लग रहा है? बनाने जा रहा हूँ, बहुत ठंड है। मैं तो अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत बढ़िया लग रही है। और अभी देखो आगे जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या मजे आने वाले हैं। ग्लव्स नाली में गिर गया, देखो गाइस इसका ग्लव्स नाली में गिर गया। वैसे ये इसके नहीं है, मेरे हैं। ये मेरी चीजें गिरता ही रहता है। अब देखते हैं कितना फन होने वाला है आज। यहाँ से हम जा रहे हैं, काफी पत्थर पत्थर है, कीचड़ बहुत ज्यादा हो रखा है। तो वैसे हमने जूते ये वाले पहने हुए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन रास्ते थोड़े ऐसे अजीब से हैं, इसलिए मुझे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और मैं थक भी गई हूँ अभी इतनी जल्दी। और एक और चीज़ बता दूँ कि जो हम जब ड्रेस लेने जाते हैं तो वहीं से जूते भी मिलते हैं, वैसे जूते पहने। लेकिन बर्फ़ पे जब मैं चल रही हूँ तो मुझे अभी भी ठंड लग रही है, पैरों में थोड़ी थोड़ी लगती है, फील होता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए क्या करने के लिए, खूब सारी मस्ती फन और बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें कि क्या क्या है। टायर पे जाएंगे नाम कुछ और है, कह रहे टायर पे जाएंगे। और एक जिप लाइन है और स्केटिंग है। वो चलाएंगे क्या, गाड़ी है? गाड़ी चलाएंगे हम लोग। और भी बहुत सारा है, अभी वाली गाड़ी नहीं नहीं अलग सी गाड़ी है, BMW या ऑडी आएगी। अभी हम लोग आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तू? मैं भी थोड़ा। ओके हमने ना एक एक्टिविटी करी थी जिसमें बहुत मजा आया, वो कोई टायर पे घसीटने वाली थी। सॉरी तो मुझे नाम नहीं पता है। और अभी हम करेंगे जिप लाइन और मैं दिखाती हूँ जिप लाइन में कितना मजा आ रहा है लोगों को। वैसे मुझे यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज है सारी करनी है, मयंक मुझे सारी करवा दे यार, आज मैं सारी करके जाऊंगी। पर जिप लाइन में जो मजा आ रहा है ना भाई, लोगों की आवाज से पता चल जा रहा है, चिल्लाने की आवाज से कि कितनी धमाकेदार होने वाली है। डर तो लगेगा पहली बार है क्योंकि, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मजा कितना आ रहा है यार। भाई स्टार्ट हो गया भैया, फोन नहीं गिरेगा ना मेरा? नहीं गिरेगा। लीन हो गई। ओ मम्मी भैया रुको, फोन तो नाश्ते पकड़ने लगा है। पकड़ लिया। नहीं फिर ये जिप लाइन पकड़ के रखना कभी नहीं जाएगा। मैं खुद को। ओ रे अरे 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 बहुत मजा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। ओ भाई साहब कितना ऊपर है, पहुंच गए। मेरे को नहीं करना। भैया ये क्या था? ब्रेक। भैया ये कैसा ब्रेक था? ऐसा ही ब्रेक है, सीधा करो। ओह ओह मेरे पैर कांप रहे अभी भी। क्यों? भाई साहब मेरे पैर कांप रहे अभी भी। नहीं मेरे नहीं कांप रहे। मजा आया लेकिन। मजा आया? ओह भाई साहब डर लगा लेकिन मजा आया। ओ शिट यार। ओ भैंस क्यों? बस ऐसे झुके रहो, खड़े रहो, बैठा रहो मत कुछ। और मुझे इतना मजा आया, मैंने दो राउंड पूरे लगाए हैं और मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छा कोई प्रोफेशनल। ये कब हुआ प्रोफेशन कर रहा है मैंने? तुमने देखा नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया गाइस। तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा मैंने कितनी अच्छी स्केटिंग करी, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप हर जगह आके हर चीज करो, ऐसा जरूरी नहीं। लड़की इतनी बुरे तरीके से गिरी है, इतनी बुरे तरीके से गिरी है, मैंने जैसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। मैंने इतना अच्छा किया ना कोई कर ही नहीं सकता, मजा आ गया बस। तो गाइस सारा एडवेंचर हम लोगों ने कर लिया, मजा आया बहुत मजा आया यार। और अब वक्त हो गया यहाँ से निकलने का, अब हो गया क्योंकि उल्टी जैसा मन हो रहा बहुत ज्यादा। तो अब जाके फिर से दवाई लूंगी तभी जाके ठीक होंगी।
तो यार सोलान वैली के बाद अभी हम आए हैं माल रोड। हमने सोचा है न्यू ईयर की इवनिंग आने वाली है तो उससे पहले थोड़ा घूम लिया जाए क्योंकि यहाँ का न्यू ईयर बहुत फेमस है। तो मैं आपको बस कुछ नहीं कहना चाहती, भीड़ दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा पूरा इंडिया उठ के यहीं आ गया। कन्फेस कर लिया वो ये है कि आई लव यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो उसके लिए बहुत 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 सारा प्यार। और एक और बात, 2020 किसी के लिए अच्छा रहा, किसी के लिए बुरा रहा, तो प्लीज़ सारे गिले शिकवे मिटा के एक नई शुरुआत करो। और भगवान करे आपका ये साल बहुत खूबसूरत हो, आपके पास लक्ष्मी आए, आपको अच्छी ज़िंदगी मिले, हर खुशी मिले। तो मैं यही कामना करती हूँ आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार बनो। और गॉड ब्लेस यू गाइज एंड आई लव यू सो मच। आप लोग मेरे एक परिवार जैसे हो, आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। और भगवान आप सबको बहुत खुश रखे, इस साल को आपका सबसे यादगार साल हो। एंड आई लव यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारा सेलिब्रेट करना और हमेशा खुश रहना, और कभी दुखी हो तो मेरी वीडियो देख लेना और लाइक कर देना।